हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। हम यहाँ पर HTML CSS के अल्टीमेट कोर्स में HTML ख़त्म कर चुके हैं, CSS भी हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, और आज हम इस लेक्चर के अंदर कलर और बैकग्राउंड इमेज के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है यहाँ पर, तो जल्दी से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेसन नंबर 13 कलर्स एंड बैकग्राउंड के अंदर आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है यहाँ पर। हम लोग कलर्स और बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, पूरी तरह से देखने वाले हैं हम सब कुछ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेते हैं। भैया VS कोड कहाँ गया? ये रहा VS कोड, जिसमें ऑलरेडी लेसन नंबर 12 खुला हुआ है। तो एक अपन क्या करते हैं, फाइल करते हैं, ओपन फोल्डर, और इसी में जो हमारा अल्टीमेट कोर्स है उसके अंदर लेसन नंबर 13 का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नया एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, index.html। और इसके अंदर हम एक CSS वाली फाइल भी क्रिएट करेंगे, style.css। तो बॉयलर प्लेट कोड हम डाल देते हैं यहाँ पर, और हम अपने इसको डॉक्यूमेंट को नाम भी दे देते हैं, लेसन 13 बैकग्राउंड कलर एंड कलर, ठीक है ना। इमेजेस के बारे में भी देखेंगे, बैकग्राउंड इमेजेस क्या होती हैं, क्या नहीं होती, ठीक है ना। और जल्दी से अपनी जो हमने style.css करी है उसको लिंक भी कर लेते हैं और यहाँ पे इसका वो डाल देते हैं। तो ये हमने पूरी तरह से तैयार हो गया हमारा पूरा ये पेज। अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमें कलर क्या होता है और बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, div, ठीक है, कंटेनर, और इस कंटेनर की कंटेनर क्लास का div क्रिएट किया हमने। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर हम इस कंटेनर क्लास को हम स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर हम देने वाले हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपने। अब आप यहाँ पे सेव करोगे, आप देखोगे कि यार हमें क्या दिख रहा है अपनी वेबसाइट पर। तो जल्दी से गो लाइव करो, कुछ दिखेगा नहीं आपको। क्यों नहीं दिखेगा कि सर आपने कंटेनर तो क्रिएट किया लेकिन कंटेनर के अंदर कुछ डाला नहीं है। जब तक डालेंगे नहीं तब तक कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एक काम किया जा सकता है कि अगर आपने कंटेनर की हाइट दे दें, फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल, तो अब ये दिखने लगेगा, कंटेनर एक बॉक्स की तरह दिखने लगेगा जिसकी विड्थ पूरी 100% हो जाएगी, ठीक है, पूरी विड्थ 100% हो जाएगी जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर विड्थ भी दे देते हो तो फिर विड्थ डिफाइन हो जाएगी। यहाँ पे आपने विड्थ नहीं दिया है तो उसकी जो विड्थ बनी है वो 100% बनी है। अगर आप विड्थ कर दे तो 50% सेव कर दो, तो 50% का मतलब ये है कि जितना भी अवेलेबल एरिया है उसका 50%, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये रहा, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो। आई होप ये सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा div क्रिएट हो गया है, कंटेनर क्रिएट हो गया है। इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया lorem, सेव कर दीजिए और यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अगर कलर का इस्तेमाल करेंगे तो color जो कलर होता है वो एक्चुअली टेक्स्ट का कलर होता है। तो एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है कलर। कलर होता है टेक्स्ट का कलर, जो भी हम कलर यहाँ पे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पर ब्राउन दे देते हैं और सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे ब्राउन कलर का टेक्स्ट हमें दिख जाएगा। तो कलर और बैकग्राउंड कलर आप सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसके लिए क्रोम को खोलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई भी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का आप क्लोन क्रिएट कर रहे हो। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नहीं, मैं अपने वाला खोलता हूँ, अपना वाला, ये वाला फ्लिपकार्ट का आप क्लोन बनाना चाहते हो फॉर एग्जांपल, और आपको वहाँ पे कोई कलर चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर एक कंटेनर है, इसका कलर नहीं आ रहा कुछ, नहीं इसमें कुछ कलर ही नहीं है। अमेज़न खोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो सर ऊपर एक कंटेनर है जिसका कलर जो है वो हमें नहीं पता, ब्लैक जैसा दिख रहा है, बट वी डोंट नो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कलर पिकर करके एक एड ऑन है, एक्सटेंशन है, आप क्रोम में डाल सकते हो। तो इसको आप जब क्लिक करोगे, इसे पिक पे जाओगे, और जैसे ही आप यहाँ पे चले जाओगे तो इसका कलर दे रहा है, इस वाले बॉक्स का कलर दे रहा है। इसका कलर आप उठा लो, और जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो भाई इसी यही कलर हम इस वाले को देना चाहते हैं, तो यहाँ पेस्ट कर दो, सेव कर दो,
आप देखोगे हमारा जो यहाँ पे ये उसी कलर का बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमें अगर किसी वेबसाइट को क्लोन करना है या किसी वेबसाइट के जैसा कुछ बनाना चाहते हैं तो वहाँ से हम कलर पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब कलर को देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर लिख दिया रेड, तो रेड कलर आ जाएगा, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये सब आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी हम कलर ऐसे करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेड से कर दिया लेकिन आप चेंज करना चाहते हो, तो इसके ऊपर जब आप कलर वाले पे जाओगे, इस पर आप क्लिक कर दो तो ऐसे करके खुल जाएगा। सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपने जो चाहो कलर दे दो और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो तो वो कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो कलर सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये ट्रांसपेरेंसी लेवल है उसका, ठीक है, ये उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल है, ठीक है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया, ये उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल है, ठीक है ना। यहाँ से आप उसका कलर देख रहे हो, यहाँ से आप उसका कलर देख रहे हो और यहाँ से उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल देखो। यहाँ पे देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है ये, अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो। सो इस तरह से हम कलर देते हैं, ठीक है। हम कलर बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं। सबसे बेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कि भाई हम क्रोम पे चले जाएंगे और क्रोम पे कलर पिक कर लेंगे जिसका भी मुझे कॉपी चाहिए, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप खुद ही देना चाहते हो तो उसके बाद आप कोई भी कलर यहाँ पे दे दो। फॉर एग्जांपल हमने येलो लिख दिया और उसके बाद मुझे पसंद नहीं आ रहा ये कलर, तो आप इसके पास चले जाओ और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, इधर से कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी आप ले लो जो आपको दिल करे। और उसके बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल भी आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, यहाँ से, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। तो आप सेव कर दो, आपको ये कलर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर, और हमने कलर की बात करी, कलर ये टेक्स्ट का कलर है और विड्थ और हाइट आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो एक कंटेनर क्रिएट किया है, कंटेनर की हमने स्टाइलिंग कर दी है, उसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया है, हाइट दे दिया है, विड्थ दे दिया है, कलर दे दिया है, कलर हमारे टेक्स्ट का कलर है, ठीक है। और कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सिंपल है। अब हाउ टू गेट दी एग्जैक्ट कलर इन CSS, ये मैंने बताने की आपको कोशिश करी है कि आप क्रोम में एक कलर पिकर करके एक्सटेंशन है उसको यूज़ करिए और उससे आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो, ठीक है। फिर से चलते हैं क्रोम के ऊपर। अगर मुझे ये वाला कलर पिक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ भाई हमें ये वाला कलर चाहिए, ये वाला, तो देखो यहाँ पर इस तरह से आ जाता है ये, ठीक है। तो आप इधर क्लिक करोगे तो एक कलर दे देगा, ये क्लिक कर दोगे तो ये कलर दे देगा, यहाँ क्लिक करोगे तो ये वाला कलर का कोड मिल जाएगा, वो कोड कॉपी कर दो आप, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दो तो ये कोड मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे तो ये वाला कलर का कोड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी कलर उठा सकते हो इस एक्सटेंशन के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने कर लिया बैकग्राउंड कलर टू कम्प्लीट पेज। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो पूरा का पूरा पेज जो है आपका वो एक पर्टिकुलर कलर को पकड़ ले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने एक कंटेनर को एक कलर दिया बैकग्राउंड कलर, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरे पेज को कलर देना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी हमारा पूरा पेज होता है तो उस बॉडी को हम कलर देने की कोशिश करते हैं। बॉडी सेलेक्टर हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया ब्लैक, तो आप देखोगे पूरा पेज ब्लैक हो जाएगा, पूरा का पूरा पेज ब्लैक हो चुका होगा। लेकिन ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने अलग बैकग्राउंड दिया तो उसके लिए वो अलग बैकग्राउंड को लेके चलेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम पूरे पेज को एक कलर दे सकते हैं, ठीक है। और हमने एक कंटेनर को अलग से एक कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक है। सो बैकग्राउंड इमेज वो भी देखते हैं, इमेज का क्या सीन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपने दिया, आप चाहते हो नहीं यार कलर तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक गूगल पे जाऊँगा और मैं यहाँ से गूगल पे से एक कोई बढ़िया सी इमेज ढूंढ के लाऊंगा। सो लेट्स से वॉलपेपर उठाते हैं, JPG, कोई भी बढ़िया सा वॉलपेपर उठा लेते हैं, इमेजेस में ये उठा लेते हैं। तो जैसे आप चाहते हो कि भाई ये वाला हमने सेव करना है, सेव इमेज एज कर देते हैं, कॉपी नहीं, सेम इमेज, सेव इमेज एज, सेव कर दिया हमने इमेज अपने उसी फोल्डर में कर देते हैं, डेस्कटॉप में, इसमें और इसके अंदर जाके हमने सेव कर दिया। सो अब आप देखोगे, आप चाहते हो कि ये वाला जो इमेज हमने डाउनलोड किया ये मेरे वेब पेज में पीछे आ जाए, ये मेरे बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए, तो कैसे करेंगे? आप अगर चाहते हो पूरे पेज का बैकग्राउंड हो जाइए तो क्या करोगे, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे URL डाल दोगे, URL, और जो भी इमेज है उसका पाथ आप यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो ये हमारी इमेज हमने कर दिया, सेव करेंगे तो हमारे ये पूरे पेज पर दिखाई देने लगेगा इस तरह से। अभी काफ़ी गंदा लिख रहा है क्योंकि थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ती है हमें, मैं करके बताता हूँ। तो हमने बैकग्राउंड इमेज कमांड को यूज़ करके हम किसी भी इमेज को अपने बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बहुत कमांड्स और हैं। तो बैकग्राउंड इमेज जब भी आप यूज़ करोगे तो सबसे पहले करोगे बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन में आप कर दोगे सेंटर,
ठीक है, सेंटर कर दोगे। सेंटर करने से क्या हुआ, देखो बिल्कुल सेंटर में आ गई है ये, ठीक है। उसके बाद वैसे इतना काफ़ी है क्योंकि ये इमेज हमारी छोटी बड़ी इमेज है, तो इतना काफ़ी हमारा काम हो जाएगा, इतना काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो हमने क्या किया, कोई बड़ी इमेज पकड़ी, उसमें बैकग्राउंड इमेज डाल दिया, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दिया, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसमें और भी कमांड्स होते हैं, तो उसका क्या यूज़ होता है बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक कोई छोटी इमेज पकड़ते हैं, कोई मतलब जिसका साइज़ थोड़ा छोटा हो, कोई ऐसा लग रहा है मोबाइल वॉलपेपर टाइप का, जो तो सभी बड़ी इमेज लग रही है यार, कोई छोटी इमेज लग ही नहीं रही है। या ऐसा करते हैं, कोई छोटी इमेज लेते हैं, मोबाइल, मोबाइल के लिए वॉलपेपर हमें चाहिए, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई छोटी इमेज पकड़ी, ये वाली इमेज पकड़ी, ये वाली इमेज ली आपने, ठीक है, सेव करें, सेव इमेज ऐसा हो जाएगा जेपीजी, दिक्कत ये जेपीजी कभी होता नहीं, हो जाता, चलो इसमें तो हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इमेज दूसरी पकड़ ली, ठीक है, ये वाली पकड़ ली डेस्कटॉप, ये वाली, ये छोटी इमेज है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सेव करो, तो क्या करेगा ये पेज हमारा, देखो ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। देख रहे हो आप, ये हमारी छोटी इमेज थी तो उसने रिपीट करना शुरू कर दिया, जिससे पूरा पेज फिल हो जाए। तो यहाँ पे हम एक और कमांड का यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, हम नहीं चाहते भाई रिपीट करो तुम, तो नो रिपीट करोगे तो देखो इस तरह से बीच में आ जाएगा, साइड वाला रिपीटेशन हट जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, दो कमांड और होती हैं, एक होता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज़ में दो चीज़ होती हैं, एक होता है कंटेन, एक होता है कवर। अगर हम कवर डाल देंगे ना, तो जो भी इमेज का साइज़ है, चाहे छोटा सही, मान लीजिए जैसे छोटी इमेज है, तो ये क्या करेगा, कवर अगर मैंने कमांड डाल दिया तो ये इमेज को खींच कर ऐसे कर देगा जिससे हमारा पूरा का पूरा रीजन फिल हो जाए। जैसे आप देख रहे हो, इसने इमेज को खींच दिया, इसने इमेज को खींच के ऐसा कर दिया कि हमारा पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाए, ठीक है, ठीक है। अगर हम कंटेन कर देते हैं, अगर हम समझ में आ गया कवर का मतलब क्या है, कवर का मतलब यह है कि इमेज चाहे कैसी भी सही, वो आपके पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देगी। जैसे हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे पेज को फिल कर देगी, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें कवर की जगह मैं कंटेन कर दूं, तो कंटेन का मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कंटेन का मतलब ये होता है, अगर हम यहाँ पर देखें, कंटेन का मतलब ये है कि भाई साहब हम अपनी इमेज को बिल्कुल परफेक्टली शो कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब फॉर एग्जांपल इमेज एक्चुअली ओरिजिनली इतने साइज़ की थी ओरिजिनली, तो उसने ओरिजिनल साइज़ को डिस्प्ले करा दिया कंटेन में, ठीक है ना। तो कंटेन का मतलब ये होता है, कवर का मतलब होता है पूरी इमेज को फैला दो और पूरी इमेज को फिल कर दो अपने गिवन एरिया के अंदर, ठीक है। इसको हम डिव से भी समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे स्लाइड में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैकग्राउंड साइज में दो कमांड्स हैं, एक है कवर, एक है कंटेन। कवर का मतलब ये है कि बैकग्राउंड इमेज को पूरे रीजन में स्प्रेड कर दो, ठीक है ना, पूरे रीजन स्ट्रेच कर दो, ठीक है। कंटेन का मतलब ये है कि अपनी इमेज को रिसाइज करो और ऐसे रिसाइज करो कि वो इमेज फुल्ली विजिबल रहे अपने कंटेनर के अंदर। आपको इससे समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बॉडी बहुत बड़ा एरिया है, मैं एक और थोड़ा डिव लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल डिव आपका 20 पिक्सल और उसकी विड्थ है फॉर एग्जांपल 20%, तो आप अगर देखोगे तो आपका डिव बहुत ही छोटा हो गया है, इतना छोटा बन गया है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मतलब हाइट थोड़ी 200 पिक्सल की कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका डिव जो है वो ऐसा क्रिएट हो गया, ये वाला डिव बन गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना इधर रखता हूँ और इसको इधर रखता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कंटेनर हमने क्रिएट कर दिया, ये हमारा कंटेनर है जिसकी हाइट है 200 पिक्सल और विड्थ है 20%। अब मान लो हम बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड इमेज देते हैं, यही वाली, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं बॉडी से हटा देता हूँ क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कोई बात। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कोई बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, यूआरएल डाल देते हैं और यूआरएल के अंदर मैं यही वाला देता हूँ, डेस्कटॉप वॉलपेपर वाला, और सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी मज़ा नहीं आया इसके अंदर। अब मैं दो कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है, और दोनों कमांड का डिफरेंस आप लोग देखना, ठीक है, दोनों कमांड का डिफरेंस आप लोग देखना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बैकग्राउंड साइज़,
ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कवर कर देता हूँ कवर, तो वो क्या करेगा, वो पूरी इमेज को खींच तान के ऐसा कर देगा कि भाई तुम इस पूरी इमेज को इस कंटेनर में फिल कर दो, बस यहाँ पे सेव कर दूंगा। आप देखो इसने क्या किया है, पूरे कंटेनर में इसको फिल करने की कोशिश करी है, पूरे कंटेनर में इसको फिल करने की कोशिश करी। इसका बैकग्राउंड पोजीशन अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो ऐसा आ जाएगा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे कंटेनर को फिल करने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कवर की जगह कंटेन कर दूंगा तो क्या होगा, ये सिर्फ इमेज को रिसाइज कर देगा, ऐसे कर देगा कि पूरी इमेज हमें विजिबल हो, पूरी इमेज हमें विजिबल हो। देख पा रहे हो आप, ये देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, इमेज हमें विजिबल है, इसने क्या किया है बैकग्राउंड को रिपीट कर दिया। तो मैं बैकग्राउंड नो रिपीट कर दूंगा तो वो भी हमारा पूरा हो जाएगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो आप देख पा रहे हो सिर्फ एक ही आ रहा है, इस तरह से हमें दिख रहा है। तो कंटेन कवर समझ में आ गया, हम जनरली कवर का इस्तेमाल करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी जो भी इमेज है वो हमारे पूरे बैकग्राउंड में को फिल कर दे, पूरी बैकग्राउंड को फिल कर दे, ठीक है। सो वही चीज़ हम करेंगे, तो जनरली हम कंटेन की जगह कवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेव कर दो तो इस तरह से हमारी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया है कंटेन कवर का क्या यूज़ है। बैकग्राउंड पोजीशन हम जनरली सेंटर करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जो इमेज है वो सेंटर में अच्छी लगती है, ऐसा नहीं चाहते हम कि इमेज जो है साइड में रहे या बिल्कुल कोने में चली जाए, ठीक है। सो कंटेन कवर की बात फिर से अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, कवर का मतलब है पूरी इमेज को खींच कर अपने बॉक्स के साइज के बराबर कर देना, और कंटेन का मतलब ये है कि अपनी इमेज को ऐसे रखना कि वो फुल्ली विजिबल हो जाए, फुल्ली विजिबल हो जाए, ठीक है। इसको दिखाने के लिए मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक और डिव क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, डिव कंटेनर टू, है ना, कंटेनर टू क्रिएट करता हूँ मैं, और यहाँ पे पकड़ता हूँ इसको मैं, और मैं अब इसकी साइजिंग करता हूँ, मैं इसको साइज़ बहुत छोटा देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बहुत ही छोटा साइज़ देने की कोशिश करता हूँ मैं इसको, हाइट और विड्थ बहुत ही कम देता हूँ, और फिर यूज़ करता हूँ 20 पिक्सल करता हूँ, और फिर यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पे हम वही डालने वाले हैं, ये वाला मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड साइज़ कंटेन, कंटेन मतलब अपनी इमेज को ऐसे साइज़ करेगा कि भाई बॉक्स के अंदर पूरी विजिबल हो जाए, ठीक है। और बैकग्राउंड पोजिशन भी कर देते हैं, वो सेंटर ही रहनी चाहिए वैसे हमेशा। अब देखो आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं इसके बीच में गैप दे देता हूँ, सेव करिए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसने पूरी इमेज दिखाने की कोशिश करी, देख रहे हो आप, मतलब चाहे मेरा बॉक्स कितना ही छोटा क्यों ना सही, उसने इमेज को रिसाइज किया और ऐसे शो करने की कोशिश करी है कि भाई पूरी इमेज मेरी कवर हो जाए, मेरी पूरी इमेज विजिबल हो, चाहे कितना ही साइज क्यों ना छोटा हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंटेन का मतलब, और कवर मतलब वो तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेन कवर आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। अब हम कुछ और बातें करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट, या मतलब कभी कभी हम चाहते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर हो वो फिक्स कलर ना हो, ग्रेडियंट हो, तो वो काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम इसकी स्टाइलिंग को मैं हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं कंटेनर वन को पकड़ता हूँ, ठीक है, कंटेनर वन ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा हाइट का ले लेते हैं हम लोग, हाइट ले लेते हैं इसकी 500 पिक्सल ले लेते हैं, विड्थ 100% ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज, हमें ग्रेडियंट चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज में आप क्या करो, लीनियर ग्रेडियंट ये आएगा। तो लीनियर ग्रेडियंट फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि दो कलर का बने, फॉर एग्जाम्पल रेड एंड येल्लो, ठीक है, रेड एंड येल्लो, तो आप कर दो सेव, तो आपको क्या वो दिख नहीं रहा, सेव कर दो भाई, क्या हो गया, इसे नाराज़गी हो गया भाई, क्या हो गया, सेव कर दो, हाइट 500 पिक्सल ठीक तो है, क्या बात हो गई, लीनियर ग्रेडियंट रेड येल्लो, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट सब ठीक तो है, क्या बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, एक बार फिर से इसको वो करने की कोशिश करते हैं। कंटेनर वन अच्छा है ही नहीं, अरे यार कंटेनर वन है ही नहीं, कंटेनर नाम है उसका, कंटेनर वन है ही नहीं, देख रहे हो आप, तो आपको ग्रेडियंट हो गया। तो आप देख रहे हो ग्रेडियंट का जो हमेशा डायरेक्शन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है ना, टूवर्ड्स बॉटम होता है, ये इसका बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप चाहो तो तीन कलर जाना चाहते हो, रेड येल्लो ऑरेंज देना चाहते हो फॉर एग्जांपल,
या रेड येल्लो ब्लू ब्लैक ब्लू, ठीक है, ब्लू देना चाहते हो, ऑरेंज देना चाहते हो, बहुत सारे कलर दे सकते हो यार आप, तो मतलब जो भी आपको अच्छा लगे यार कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप देखो इस तरह से बड़े काफ़ी गंदा कॉम्बिनेशन हो गया, बट ठीक है इस तरह से आपको दिख रहा है। तो रेड येलो ब्लैक ब्लू ऑरेंज इस तरह से आप दे सकते हो। अब आपका बाय डिफॉल्ट होता है टुवर्ड्स बॉटम, लेकिन आप चाहते हो कि टुवर्ड्स राइट रहे, तो आप यहाँ पे क्या करो, रेड से पहले नीचे आ जाओ, रेड से पहले यहाँ पर टू बॉटम लिख दो, सॉरी टू राइट लिख दो, RIGHT, ठीक है, कॉमा कर दो और देख रहे हो आप, सॉरी थोड़ा ज़्यादा, अरे यहाँ थोड़ा अब सही, ठीक है, टू राइट लिख दो, टू बॉटम की जगह टू राइट, तो इस तरह से टुवर्ड्स राइट ऐसे ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, सेव कर दो, तो टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाए तो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, इस तरह से आप ग्रेडियंट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, इस तरह से लीनियर ग्रेडियंट आप देख सकते हो, ठीक है। आप ग्रेडियंट में एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाला कंटेनर तो क्रिएट कर ही लिया, हम इसी कंटेनर का एक और कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंटेनर टू, ठीक है, कंटेनर टू इसी को कॉपी करता हूँ, और कंटेनर टू हमने वहाँ पर डाला हुआ है, कंटेनर टू कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब कंटेनर टू भी आप देखोगे तो इस तरह से ही आपको अपनी पेज पर दिखाई देगा नीचे की तरफ ऐसे करके, लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक सेकंड, अगर आप देखेंगे तो हमने लीनियर ग्रेडियंट कर दिया है, ठीक है। रेनबो बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे करोगे, विबग्योर अगर आप यूज़ करो तो बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। मैं वही यूज़ करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट विबग्योर मतलब वॉयलेट, मैं सबसे पहले करता हूँ टू राइट, ठीक है ना, टू राइट में वॉयलेट, वॉयलेट विबग्योर इंडिगो, वॉयलेट इंडिगो विबग्योर ब्लू, नहीं वो तो विबग्योर रेनबो ऐसे नहीं होता ना, बट ठीक है चलो हम यही बनाते हैं, विबग्योर GYOR ग्रीन, ग्रीन येलो ऑरेंज, ठीक है ना, यही था ना, ऑरेंज ही तो था ना, ऑरेंज और आर से क्या होगा, विबग्योर आर से क्या होगा, रेड, रेड रेस, सेव करो तो आपको देखने को मिलेगा एक तरह से आपका एक रेनबो क्रिएट हो गया है, देख रहे हो आप कितना सही लग रहा है, मतलब ये आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू समवेयर, कहीं पे अगर आपको दिल करता है यूज़ करने का तो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम देखें तो इन्हें कर दिया, अब एक और चीज़ होता है रिपीटिंग, रिपीटेड लीनियर ग्रेडियंट, जैसे फॉर एग्जांपल उसको आप रिपीट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो वो भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक और कंटेनर क्रिएट किया, मैं यहाँ पे एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ, कंटेनर थ्री, ठीक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक भी यूज़ कर लेता हूँ, कंटेनर थ्री देख लेते हैं, BR टैग ब्रेक लाइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कंटेनर टू हमने हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं उसकी, सेव कर देता हूँ, कंटेनर थ्री अब इसी को पकड़ता हूँ और कंटेनर थ्री क्रिएट करता हूँ एक और, ठीक है, हाइट हमने सेम ही रखी है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। इसमें आप क्या करोगे, हम चाहते हैं टू राइट हो, ये डायरेक्शन इसकी लिख देते हैं टू राइट, और इसमें हम क्या करेंगे, रेड दे देंगे, फॉर एग्जांपल तीन चार कलर आप दे सकते हो, रेड पहला कलर रेड है, दूसरा आप दे सकते हो फॉर एग्जांपल ब्लू, जो आप देना चाहते हो फॉर एग्जांपल 10% मतलब 10% विड्थ के लिए है वो, और तीसरा आप देना चाहते हो फॉर एग्जांपल ग्रीन, ये भी आप 10% विड्थ के लिए देना चाहते हो, सेव कर दो आप, तो आपको ये रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, रिपीट होता हुआ नज़र आएगा, आप देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, सो ये आपको रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, इस तरह से रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ये, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है, बट चलिए ठीक है, हमने देखा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें और कंटेनर क्रिएट करने, दो तीन चीज़ों और देखने के लिए, कंटेनर फोर आप क्रिएट करो, कंटेनर फाइव आप क्रिएट करो, ठीक है। अब मैं आपको कंटेनर फोर के अंदर और क्या दिखाने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने ये कर लिया, इसके बाद कंटेनर फोर पे आ जाओ, कंटेनर फोर की हाइट हमने दे दी, इसके बाद हम देना चाहते हैं, देखो हमने लीनियर ग्रेडियंट देख लिया, एक होता है रेडियल ग्रेडियंट, तो रेडियल ग्रेडियंट मतलब वो मतलब इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में होगा, सर्कुलर में होगा, तो जनरली इसका जो शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ होता क्या है, रेड येल्लो ऑरेंज, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इंडिगो को कॉपी करता हूँ, ग्रेडियंट इंडिगो कॉपी, इसको कॉपी करता हूँ विबग्योर को, ठीक है ना,
इसको आप सेव कर दो, ऐसे करके सेव कर दो। अब आप देखो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अरे कहाँ गया, आया क्यों नहीं कंटेनर फोर, कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा एक ज़्यादा आ गया, ओके अब देखो आप ये आ गया, देखो देख रहे हो आप ये सर्कुलर में हो गया, तो वॉयलेट विबग्यो टाइप का इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जनरली इलिप्टिकल होता है, अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हो, सर्कुलर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सर्कल लिख दो, ठीक है सर्कल, ठीक है सेव कर दो, तो ये सर्कुलर शेप में हो जाएगा, सर्कल में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इलिप्टिकल की जगह आप सर्कुलर हो जाएगा, तो ये आप देख पा रहे हो कितना सुंदर सा लग रहा है। अगर आप कोई अच्छे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये, ठीक है अच्छा काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। रेडियल ग्रेडियंट के बाद मैंने कंटेनर फाइव ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अब मैं आपको कंटेनर फाइव में एक और दिखाने वाला हूँ, ठीक है एक और दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ कोनिक ग्रेडियंट, ठीक है कोनिक ग्रेडियंट, ठीक है चलते हैं पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेडियल ग्रेडियंट हमने देख लिया, ठीक है। शेप आप जो देना चाहते हो, जैसे सर्कुलर देना चाहते हो, इलिप्टिकल बाय डिफॉल्ट होता है, और इस कलर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोनिक ग्रेडियंट होता है, तो कोनिक ग्रेडियंट जैसे मैं दिखाता हूँ, पहले आपको रेड येल्लो और येल्लो ग्रीन ऐसे करके हमने सेव कर दिया। अब आप चलो आगे देखते हैं यार, अपने को सबसे पहले देखते हैं दिखता कैसे है ये। देख रहे हो आप, ये ऐसे दिखता है, मतलब यहाँ से शुरुआत होता है, ये हमारा जीरो डिग्री होता है, तो जीरो डिग्री से रेड शुरू हुआ, फिर येलो आया, फिर ग्रीन आया, देख रहे हो आप यहाँ से शुरू होता है, मतलब कोनिकली इस तरह से चलता है। और यहाँ पे एक करेक्ट अगर हम यूज़ करें, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस की, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बॉर्डर रेडियस अगर हम यहाँ पर 50% कर दें, तो ये जो सर्कल स्क्वायर है वो सर्कुलर बन जाएगा, देख रहे हो आप ये सर्कुलर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है इलिप्टिकल टाइप का बन जाएगा, ठीक है। चाहो तो उसकी विड्थ वगैरह एडजस्ट करके आप उसको सर्कल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो देख सकते हैं, अगर हम इसकी हाइट को 500 दे रहे हैं, विड्थ को भी 500 कर दें, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर के अंदर अगर हम बॉर्डर रेडियस 50 का लगाएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, देख रहे हो आप सर्कल बन गया। तो जीरो डिग्री से शुरू होता है यहाँ पे, ये जीरो डिग्री होता है, यहाँ से रेड चला पहले, फिर येलो चला, फिर ग्रीन चला, इस तरह से हमारा ये सर्कुलर बन जाता है। इसमें आप अलग अलग कलर दे सकते हो, फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा कलर देना चाहते हो, ब्लू देना चाहते हो, ब्लू दे दो, सेव कर दो, तो चार कलर बन जाएंगे, ठीक है इस तरह से। तो काफ़ी सुंदर लगता है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने में आपको। इसमें भी तीन चार प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आप लोगों को जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कोनिक ग्रेडियंट देख लिया, कोनिक ग्रेडियंट के अंदर मैं आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है कोनिक ग्रेडियंट के अंदर और चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कंटेनर फाइव हमारा क्रिएट हो गया, कंटेनर फाइव की जगह हम क्या करेंगे, कंटेनर सिक्स क्रिएट करेंगे, फिर कंटेनर सेवन, क्योंकि मुझे दो चीज़ें दिखानी है, सिक्स और सेवन, सेव कर दो। सबसे पहले हम चलते हैं कंटेनर फाइव के बाद हम कंटेनर सिक्स को क्रिएट करते हैं। मैं हाइट वेट सेम रख रहा हूँ, जिससे मुझे सर्कल दिखे और काफ़ी सुंदर दिखे हमें, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि भैया रेड कलर जो है, रेड कलर जो है वो ज़ीरो डिग्री से हो, ज़ीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है 90 डिग्री के बीच में हो कॉमा, फिर हम चाहते हैं ज़ीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, फिर हम चाहते हैं दूसरा कलर हो ब्लू, जो कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हो, उसके बाद हम चाहते हैं रेड हो, रेड ब्लू येल्लो, हम चाहते हैं येल्लो हो जो 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक हो, और लास्ट में हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल येलो के बाद कोई भी ब्लैक बोल दो, चलो यार ब्लैक ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक ले लो आप 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, ठीक है इस तरह से हमने दे दिया, सेव कर दो। अब आप देखो कैसा दिखेगा आपको यार, ये देखो ऐसे दिखेगा, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये, आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो नहीं सर मुझे रेड बहुत छोटी डिग्री के लिए चाहिए, बहुत छोटी डिग्री के लिए चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। कंटेनर सिक्स मैं क्रिएट करता हूँ, कंटेनर सेवन, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो रिपीटेड वाला, रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट, तो रिपीटिंग करते हैं पहले यहाँ पे, रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट, रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट, ठीक है रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बहुत अच्छा बनेगा ये, पहले यहाँ डाल देता हूँ। देखो आप चाहते हो रेड जो है वो सिर्फ ज़ीरो से लेके, ज़ीरो डिग्री से लेके 10 डिग्री तक हो, ठीक है फिर आप चाहते हो ब्लू, ब्लू हो 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, फिर आप चाहते हो ब्लैक, ब्लैक चाहते हो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक,
ठीक है। अब आप देखो, आपको ये रिपीट करता हुआ मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, यहाँ पे हमने सिर्फ 30 डिग्री का बताया है। तो आप सेव करो और आप देखना यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देख रहे हो आप, रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक, इस तरह से आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बहुत सुंदर लगता है ये। अगर आप देखोगे तो इसको, अगर आप विड्थ और हाइट हटा दो, इसको मान लो ये आपने हटा दिया, तो सेव करो तो आपको ये पूरा एक, सॉरी हाइट तो देनी पड़ेगी, बिना हाइट के काम नहीं चलेगा, विड्थ और हाइट दोनों नहीं हटा सकते, हाइट तो देनी पड़ेगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हाइट तो देनी पड़ेगी। अब देखो हाइट दे दी मैंने, तो आप देख रहे हो इस तरह से मिल गया। और मान लो आपने ये बॉर्डर रेडियस भी हटा दिया तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा इस तरह से, देख रहे हो। तो इस तरह से आप अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू क्रिएट किसी एक डिव के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर, बहुत सुंदर सुंदर आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे बताने की कोशिश करी है, कोनिक ग्रेडियंट आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, या ऐसे क्रिएट करना चाहते हो ऐसे कर लो, या आप रेडियल ऐसे करना चाहते हो, या फिर आप एक तरह से ऐसे क्रिएट करना चाहते हो रिपीटिंग वाला, या फिर आप इस तरह से क्रिएट करना चाहते हो, या कभी कभी हमें एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन चाहिए होता है। जैसे मैं अभी अमेज़ॉन का एक क्लोन बना रहा था, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट इस पे चलता हूँ, अमेज़ॉन का मैं क्लोन क्रिएट कर रहा था। तो अमेज़ॉन के क्लोन में आप देख रहे हो यहाँ से लेके नीचे यहाँ पर चेंज हो रहा है कलर, यहाँ पे स्किन कलर यहाँ से ग्रे हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड काफ़ी सुंदर लगता है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पूरे के अंदर। हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ देखा, ठीक है, कलर देखा, बैकग्राउंड कलर देखा, बैकग्राउंड इमेज देखा। बैकग्राउंड इमेज में हमने देखा उसका साइज़, कंटेनर और कवर, पोजीशन हमेशा सेंटर देते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिपीट हम जनरली नहीं करना चाहते उसको, हम चाहते हैं सिंगल रहे, तो रिपीट नो रिपीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट वाली, वो हम लोग फिर से देखेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। उससे हमने पैरलैक्स वेबसाइट क्रिएट करी, आप देख सकते हो इस चैनल पे जाके, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है और वहाँ पे इसका यूज़ भी किया था मैंने। योर चैनल पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट पे ये वाली प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है। इसमें पैरलेक्स वेबसाइट हमने क्रिएट की हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली पैरलेक्स वेबसाइट यहाँ पे यूज़ किया था हमने उस प्रॉपर्टी का। देखना इसको, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। हमने अमेज़ॉन का क्लोन भी क्रिएट किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को चीज़ों को मज़ा आ रहा है और ये सीखने को काफ़ी कुछ मिला है इसके अंदर। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगले में बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर के बारे में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।